हेलो एंड वेलकम टू ग्लोबल एकेडमी। स्टूडेंट्स, आपके आने वाले जो एग्जाम्स हैं उनके लिए हम आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स सीरीज ऑफ लास्ट 6 to 8 months शुरू करने जा रहे हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियोस हैं। उसके अलावा एक और इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट करनी है। हम डेली बेसिस पे करंट अफेयर्स की वीडियोस अपलोड करते थे, अब हमने डिसाइड किया है कि अब हम इसको वीकली बेसिस पे अपलोड किया करेंगे, क्योंकि डेली बेसिस पे आपका भी बहुत टाइम वेस्ट हो रहा है, हमारा भी टाइम वेस्ट हो रहा है। अब हम इसको हर संडे को वीकली बेस पे अपलोड किया करेंगे। पूरे वीक के जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स होंगे, दैट विल बी नाउ अपलोडेड ऑन एवरी संडे। सो ये वीडियो सीरीज जिसमें हम मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स ऑफ लास्ट 6 to 8 months डिस्कस करने जा रहे हैं, इसका हम पार्ट वन शुरू करने जा रहे हैं। इसमें हम फरवरी, मार्च एंड अप्रैल के जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं वो हम डिस्कस करेंगे। सो नाउ लेट्स बिगिन विद द फर्स्ट क्वेश्चन विदाउट वेस्टिंग द टाइम। हु हैज रिसेंटली been appointed as its new director human resources by National Thermal Power Corporation Limited. किसे हाल ही में National Thermal Power Corporation Limited द्वारा अपने नए निदेशक मानव संसाधन के रूप में नियुक्त किया गया है। So recently दिलीप कुमार पटेल, he has been appointed as its new director human resources by National Thermal Power Corporation Limited, जिसको शॉर्ट में NTPC भी कहा जाता है। NTPC it was founded on 7th November 1975, headquarter इसका न्यू दिल्ली में, and chairman and MD है इसके गुरदीप सिंह। सो ये भी आपको याद रखना है। Which became recently India's fifth largest public sector bank, हाल ही में कौन सा बैंक भारत का पांचवा सबसे बड़ा सार्वजनिक बैंक बन गया है। सो बाय द आफ्टर द amalgamation with Corporation Bank and Andhra Bank that came into effect from 1st April 2020, तो इनके amalgamation के बाद यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के साथ इसका इनका amalgamation हुआ। सो नाउ यूनियन बैंक हैज बिकम द इंडियाज़ फिफ्थ लार्जेस्ट पब्लिक सेक्टर बैंक। सो इसमें जो फर्स्ट नंबर वन पे है लार्जेस्ट पब्लिक सेक्टर बैंक, वो है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। अब यूनियन बैंक की बात है तो इट वॉज फाउंडेड इन नवंबर 1919, हेडक्वार्टर इसका मुंबई में, एंड श्री राज किरण राय ये हैं इसके करंट MD एंड CEO। रिसेंटली बॉब वेटन हैज़ बिकम द वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट लिविंग पर्सन ऑफ विच कंट्री डिड ही बिलोंग। बॉब वेटन जो इस वक्त वर्ल्ड के सबसे बुजुर्ग इंसान बन गए हैं, सबसे ओल्डेस्ट पर्सन हैं, तो ये कहाँ के रहने वाले हैं, ही इज़ फ्रॉम ब्रिटेन। सो बॉब वेटन बिकम द ओल्डेस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड आफ्टर रिसेंट डेथ ऑफ 112 ईयर ओल्ड चिटेटू वटनेबे फ्रॉम जापान। नेक्स्ट, हु विल होस्ट द थर्ड एडिशन ऑफ एशियन यूथ गेम्स नवंबर 2021, कौन से एशियाई युवा खेल नवंबर 2021 के तीसरे संस्करण की मेज़बानी कौन करेगा। सो चाइना विल होस्ट द थर्ड एडिशन ऑफ एशियन यूथ गेम्स नवंबर 2021। और ये जो गेम्स होती हैं एशियन यूथ गेम्स, दे आर ऑर्गेनाइज बाय OCA मीन्स ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया। ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया इट वॉज फाउंडेड 16th November 1982, हेडक्वार्टर इसका कुवैत सिटी, एंड प्रेसिडेंट है इसकी अहमद अल फहद अल अहमद अल सबा। तो ये जो एशियन यूथ गेम्स होती हैं ये हर 4 साल के बाद होती हैं अमंग द एथलीट्स फ्राम अक्रॉस द एशिया। इसका जो फर्स्ट एडिशन हुआ था ये 2009 में हुआ था, सिंगापुर में हुआ था, और इसका सेकेंड एडिशन इट वॉज हेल्ड इन 2013 इन नेजिंग चाइना। सो थर्ड एडिशन इसका होने वाला है इन 2021 और ये होगा चाइना में, और चाइना में भी शांताऊ चाइना में। नेक्स्ट, विच कंट्री विल होस्ट यूनाइटेड नेशंस COP26 क्लाइमेट चेंज समिट इन 2021, कौन सा देश 2021 के संयुक्त राष्ट्र COP26 जलवायु परिवर्तन शिखर सम्मेलन की मेज़बानी करेगा। सो ग्लासगो स्कॉटलैंड, इट विल होस्ट यूनाइटेड नेशन COP26 क्लाइमेट चेंज समिट जो पहले होने जा रहे थे नवंबर 2020 में, बट ड्यू टू COVID-19 पेंडेमिक इट वाज पोस्टपोन्ड। अब ये होगा इन 2021 में और इसकी जो लोकेशन वो सेम रहेगी इन ग्लासगो स्कॉटलैंड। नेक्स्ट, नेम द प्लेयर हु हैज़ बीन असाइंड एज इट्स न्यू ब्रांड एम्बेसडर ऑफ पोकर स्टार इंडिया, उस खिलाड़ी का नाम बताए जिसे नए ब्रांड एम्बेसडर के रूप में हस्ताक्षर किए हैं पोकर स्टार इंडिया के साथ। सो पोकर स्टार इंडिया ये एक ऑनलाइन गैम्बलिंग गेम है जिसको आप जुआ गेम भी कह सकते हैं। सो ये एक ऑनलाइन गेम है और इसके रिसेंटली बने हैं ब्रांड एम्बेसडर MS धोनी। नेक्स्ट, विच बैंक स्टार्टेड अ डोर स्टेप सर्विस, हाल ही में किस बैंक ने डोर स्टेप सर्विस शुरू की थी। सो ड्यू टू COVID-19 पेंडेमिक सारा सिस्टम बंद पड़ा था, सो फॉर कैश डिपॉजिट्स, कैश विड्रॉल, चेक डिपॉजिट्स एटसेट्रा, डोर स्टेप सर्विस इट वॉज स्टार्टेड बाई स्टेट बैंक ऑफ इंडिया।
नेक्स्ट, विच म्यूचुअल फंड बिकम्स इंडियाज लार्जेस्ट म्यूचुअल फंड इन जनवरी टू मार्च? कौन सा म्यूचुअल फंड जनवरी और मार्च के बिटवीन लार्जेस्ट म्यूचुअल फंड बन गया था इंडिया का? इट वॉज स्टेट बैंक ऑफ इंडिया म्यूचुअल फंड। वर्ल्ड हेल्थ डे इज सेलिब्रेटेड ऑन, विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? इट इज सेलिब्रेटेड ऑन एवरी 7th अप्रैल, हर साल 7 अप्रैल को वर्ल्ड हेल्थ डे मनाया जाता है। विद अफेक्ट फ्रॉम 1950, और इस साल इसका जो थीम है सपोर्ट नर्सेज एंड मिडवाइज, तो ये आपको याद रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। हु हैज़ रिसेंटली बीन कन्फर्ड विद द हीरो टू एनिमल्स अवार्ड? किसे हाल ही में हीरो टू एनिमल्स अवार्ड से सम्मानित किया गया है? उड़ीसा के सीएम नवीन पटनायक, उनको दिया गया है ये द हीरो टू एनिमल्स अवार्ड रिसेंटली। नेक्स्ट, US विल रिटेलिएट इफ इंडिया डजंट सप्लाई ड्रग नीडेड टू फाइट कोरोना वायरस, नेम द ड्रग्स। सो आपने बताना है पिछले 2-3 महीने पहले US ने एक थ्रेट दी थी इंडिया को कि अगर वो ड्रग्स सप्लाई नहीं करेगा तो ही विल रिटेलिएट। तो आपने उस ड्रग का नाम बताना है कि वो कौन सी ड्रग थी। इट वाज हाइड्रोक्लोरोक्वीन, ये एक मलेरिया के लिए इसको प्रेस्क्राइब किया जाता है, बट ड्यू टू COVID-19, अब COVID-19 के लिए कोई और इलाज नहीं था, सो हाइड्रोक्लोरोक्वीन को भी अब यूज़ किया जाने लगा फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ COVID-19। सो हाइड्रोक्लोरोक्वीन, ये आपको इस ड्रग का नाम याद रखना है। तो यूनाइटेड स्टेट्स की बात है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, तो ये है यहाँ लोकेशन, ये है साउथ अमेरिका और ये है नॉर्थ अमेरिका। ईस्ट में इसके अटलांटिक ओशन और इसके वेस्ट में है पैसिफिक ओशन। नॉर्थ अमेरिका, साउथ अफ्रीका, ये दोनों कंटिनेंट्स हैं। उसके अलावा बाकी के कंटिनेंट्स हैं, अफ्रीका है, यूरोप, एशिया, ऑस्ट्रेलिया एंड एंटार्क्टिका। नेक्स्ट, हु अनाउंस्ड 5G प्लान टू टैकल द स्प्रेड ऑफ कोरोना वायरस इन यूनियन टेरिटरी? सो 5G प्लान दैट्स बेस्ड ऑन साउथ कोरियन मॉडल, ये आपको याद रखना है। तो ये एक प्लान है जिसमें 5G प्लान इसको कहा जाता है। 5G का दैट मीन्स टेस्टिंग, ट्रेसिंग, टीम वर्क, ट्रीटमेंट एंड ट्रैकिंग। सो ये 5G प्लान है और इसी को यूज़ किया गया था टू टैकल स्प्रेड ऑफ कोरोना वायरस इन द यूनियन टेरिटरी ऑफ दिल्ली। नेक्स्ट, हु हैज रिसेंटली लॉन्च्ड द COVID-19 स्टूडेंट हेल्पलाइन पोर्टल? हाल ही में COVID-19 स्टूडेंट हेल्पलाइन पोर्टल किसने लॉन्च किया था? तो ये किया था AICTE ने, ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन, दे हैव रिसेंटली लॉन्च्ड COVID-19 स्टूडेंट हेल्पलाइन पोर्टल। हु हैज रिसेंटली इलेक्टेड एज द न्यू चीफ जस्टिस ऑफ मलेशिया? मलेशिया के नए न्यायाधीश किसे चुना गया था? सो ही वॉज मोहम्मद शरीफुद्दीन, ही वॉज रिसेंटली इलेक्टेड एज द न्यू चीफ जस्टिस ऑफ मलेशिया। मलेशिया की कैपिटल है कुआलालंपुर, प्राइमरी यहाँ के मोहिद्दीन यासिन और करेंसी यहाँ की रिंगिट। सो व्हाट इज़ द नेम ऑफ रिसेंटली डेवलप्ड इंडिजीनियस COVID-19 टेस्ट किट इन इंडिया? हाल ही में भारत में विकसित स्वदेशी COVID-19 टेस्ट किट, उसका नाम क्या था? उसका नाम था पैथो डिटेक्ट। ये एक पुणे बेस्ड मॉलिकुलर डायग्नोस्टिक कंपनी थी माइलैब, और इन्होंने ही इसको डेवलप किया था पैथो डिटेक्ट को। सो यहाँ आपको ये याद रखना है, यहाँ आपसे पूछा जा सकता है कि पैथो डिटेक्ट जो एक टेस्टिंग किट है ये किसने डेवलप की थी? सो इट वॉज डेवलप्ड बाई माई लैब्स। इन विच यूनियन टेरिटरी हैज़ डोमिसाइल इम्प्लीमेंटेड रिसेंटली? डोमिसाइल ये सिस्टम कहाँ इम्प्लीमेंट किया गया था, कौन सी यूनियन टेरिटरी में इम्प्लीमेंट किया गया था? सो इन द यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। यहाँ आपको एक और इम्पॉर्टेंट फैक्ट याद रखना है, एट प्रेजेंट 8 यूनियन टेरिटरीज है। जिस वक्त जम्मू यूनियन टेरिटरी बनी थी उस वक्त टोटल 7 टेरिटरीज थी, देन 2 बन गई और जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख, तो हो गई थी टोटल 9। बट दादरा एंड नगर हवेली एंड दमन एंड दीव, इनको फरवरी में क्लब किया गया था तो इनको 1 कर दिया गया, देन 9 से होकर फिर 8 रह गई। तो एट प्रेजेंट देयर आर ऑनली 8 यूनियन टेरिटरीज इन इंडिया। नेक्स्ट, व्हाट आर द 3 रोवर्स विच आर गोइंग टू बी द मास्केट फॉर 2022 हांगजो एशियन गेम्स एंड आर कलेक्टिवली नोन एज? सो वो 3 रोवर्स दैट विल बी द मास्केट फॉर 2022 मांगजो एशियन गेम्स, वह 3 रोबोट कौन से हैं जो 2022 के हांगजो एशियाई खेलों में शुभंकर बनने जा रहे हैं? तो उनका समूह, उसको क्या कहा जाता है? स्मॉल ट्रिपलेट, स्मॉल ट्रिपलेट है उस मास्केट का नाम फॉर 2022 हांगजो एशियन गेम्स दैट विल बी गोइंग टू हेल्ड इन चाइना। नेक्स्ट, हु टॉप्ड फोर्ब्स लिस्ट ऑफ टॉप
वुमेन बिलियनायर्स इन द वर्ल्ड। सो इस साल 2020 में जो फोर्ब्स की लिस्ट आई थी उसमें वुमेन अरबपतियों की सूची में शीर्ष पर कौन रही थी, तो ये हैं एलाइस वाल्टन। सो शी टॉप द लिस्ट ऑफ वुमेन बिलियनायर्स इन द वर्ल्ड। नेक्स्ट, फॉर विच ईयर नासा रिसेंटली अनाउंस टू एस्टेब्लिश ह्यूमन बेस कैंप ऑन मून। हाल ही में नासा ने कब तक चांद पर मानवीय बेस कैंप स्थापित करने की घोषणा की है, तो ये 2024 में नासा एक कैंप एस्टेब्लिश करने जा रहा है ऑन द मून, और इसमें ये फर्स्ट लेडी यहाँ भेजने जा रहे हैं। सो ये भी आपको याद रखना है, फर्स्ट लेडी विल बी सेंट ऑन दिस मिशन। और नासा की बात है तो नासा से रिलेटेड फैक्ट्स देखते हैं। नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, ये है इसकी फुल फॉर्म। ये एक इंडिपेंडेंट एजेंसी है यूनाइटेड स्टेट्स की, रेस्पॉन्सिबल फॉर सिविल स्पेस प्रोग्राम एज वेल एज एरोनॉटिक्स एंड एरोस्पेस रिसर्च। इसकी फॉर्मेशन हुई थी 1958, हेडक्वार्टर इसका वाशिंगटन डीसी में। नेक्स्ट, हु हैज रिसेंटली बीन नेम्ड एज द लीडिंग क्रिकेटर ऑफ द ईयर। हाल ही में क्रिकेटर ऑफ द ईयर के रूप में किससे नामित किया गया है? सो बेन स्टोक्स जो वाइस कैप्टन है इंग्लैंड टेस्ट टीम के, ही वॉज रिसेंटली नेम्ड एज द लीडिंग क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2020। नेक्स्ट, हु इज नेम्ड एज द लीडिंग वुमेन क्रिकेटर ऑफ द ईयर। किसे इस वर्ष की अग्रणी महिला क्रिकेटर के रूप में नामित किया गया है? सो रिसेंटली ऑस्ट्रेलियन वुमेन क्रिकेटर एलआईसी पेरी, ये है एलआईसी पेरी, एंड शी हैज बीन नेम्ड एज द लीडिंग वुमेन क्रिकेटर ऑफ द ईयर। नेक्स्ट, हाउ मेनी डॉलर्स डिड सॉक डेवलपमेंट फंड एलोकेट्स फॉर कोविड 19 प्रोजेक्ट्स। कितने डॉलर सॉक डेवलपमेंट फंड ने कोविड 19 प्रोजेक्ट के लिए आवंटित किए हैं? सो रिसेंटली $5 million डिड सॉक डेवलपमेंट फंड एलोकेट फॉर कोविड 19 प्रोजेक्ट्स। सॉक इसकी फुल फॉर्म क्या है? साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉपरेशन। और इसके मेंबर्स कौन कौन से हैं? अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, मालदीव्स, नेपाल, पाकिस्तान एंड श्रीलंका। सो ये कंट्रीज दे आर द पार्ट ऑफ सॉक। इट वॉज एस्टेब्लिश्ड इन 8 December 1985। सेक्रेटरेट है इसका काठमांडू नेपाल में। सेक्रेटरी जनरल इसके एलिसा रुवान वेराकोन जो श्रीलंका के, इट्स फ्रॉम 1 March 2020। फर्स्ट इसकी जो सुमित हुई थी वो हुई थी December 1985 बांग्लादेश में। 18th सॉक इट वॉज हेल्ड इन काठमांडू इन 2014। दैन 20th सॉक ये अब नेक्स्ट होने जा रही है इन 2020 एंड इट विल टेक प्लेस इन इस्लामाबाद। नेक्स्ट, हु रिसेंटली लॉन्च्ड भारत पढ़े अभियान कंपेन। हाल ही में भारत पढ़े अभियान कंपेन किसने शुरू किया था? तो ये शुरू किया था MHRD ने, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। पहले इसका नाम था मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन अप टू 1985, बाद में इसका नाम बदलकर MHRD रखा गया। अब फिर इस साल 2020 में इसका नाम बदलकर अब फिर से मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ही दोबारा रखा गया MHRD का। बट जिस दिन भारत पढ़े अभियान कंपेन शुरू की गई थी तो उस वक्त इसका नाम MHRD ही था, इसलिए मैंने ऑप्शन में MHRD ही लिखा है। नेक्स्ट, विच स्टेट गवर्नमेंट रिसेंटली स्टार्टेड ऑपरेशन शील्ड। ऑपरेशन शील्ड ये कौन सी स्टेट गवर्नमेंट ने शुरू की थी? दिल्ली गवर्नमेंट स्टार्टेड रिसेंटली एन ऑपरेशन दैट इज नोन एज शील्ड। और इसकी फुल फॉर्म क्या है? शील्ड होम क्वारंटाइन आइसोलेशन ट्रेसिंग एसेंशियल सप्लाई लोकल सैनिटेशन एंड डोर टू डोर चेकिंग फॉर सिम्टम्स। इससे पहले मैंने आपसे कहा था कि 5T प्लान भी इन्हें शुरू किया था, देन दे स्टार्टेड ऑपरेशन शील्ड, तो ये भी दिल्ली गवर्नमेंट ने ही शुरू किया था। नेक्स्ट, हु अनाउंस द लॉन्च ऑफ न्यू वर्चुअल ब्रायल कीबोर्ड। हाल ही में किसने नया वर्चुअल ब्रायल कीबोर्ड लॉन्च करने की घोषणा की थी? तो ये की थी गूगल ने, इन्होंने एक वर्चुअल ब्रायल कीबोर्ड लॉन्च किया था फॉर टू हेल्प द ब्लाइंड्स। ब्लाइंड्स के लिए इन्होंने इस टाइप का ये ब्रायल कीबोर्ड लॉन्च किया था, और इसका नाम इन्होंने दिया था टॉक बैक। ये भी नाम भी आपको याद रखना है, टॉक बैक। सो गूगल ने किया था, तो इट वॉज फाउंडेड 1998, हेडक्वार्टर इसका कैलिफोर्निया US में, एंड सुंदर पिचाई ये इसके करंट CEO। नेक्स्ट, हु हैज रिसेंटली लॉन्च्ड डिजिटल बैंकिंग प्लेटफॉर्म डिजिजेन। सो बैंकिंग प्लेटफॉर्म, डिजिटल बैंकिंग प्लेटफॉर्म डिजिजेन, ये शुरू किसने किया था? जन समाल फाइनेंस बैंक ने शुरू किया था अब बैंकिंग प्लेटफॉर्म डिजिजेन। ये एक ऑनलाइन बिल पेमेंट है एंड इंस्टेंट फंड ट्रांसफर्स इसके थ्रू होंगी, तो ये लॉन्च किया था जन समाल बैंक
स्माल फाइनेंस बैंक ने। इट वॉज फाउंडेड इन 2006 जन्ना स्माल बैंक। बेंगलुरु में इसका हेडक्वार्टर है। अजय कंवल ही इज़ द करंट चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ जन्ना स्माल बैंक। नेक्स्ट, व्हाट डज ए स्टैंड्स फॉर इन पीएम केयर्स फंड। पीएम केयर्स फंड जो स्टार्ट की गई थी इन 28 मार्च 2020, ये एक एमरजेंसी स्टेरी फंड थी दैट वॉज क्रिएटेड ऑन मार्च 2020, और ये लॉन्च की गई थी फॉर द कलेक्शन ऑफ डोनेशंस। सो डोनेशंस कलेक्ट करने के लिए पीएम केयर फंड लॉन्च की गई थी इन मार्च 28, और इसमें जो इसकी जो फुल फॉर्म है वो है प्राइम मिनिस्टर्स सिटीजन असिस्टेंस एंड रिलीफ इन एमरजेंसी सिचुएशन फंड। ये इसकी फुल फॉर्म आपको याद रखनी है। तो इसमें ये जो ए है दैट स्टैंड्स फॉर असिस्टेंस। इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्जाम में, इसलिए मैंने इनको इंक्लूड किया है। नेक्स्ट, विच बिकेम द फर्स्ट स्टेट टू स्टार्ट द पूल टेस्टिंग ऑफ कोरोना वायरस सैंपल्स। तो ये शुरू किया था उत्तर प्रदेश ने पूल टेस्टिंग। पूल टेस्टिंग में क्या होता है, 8-10 लोगों के सैंपल्स लिए, उनको कलेक्ट किया, मिक्स किया और बाद में उसका टेस्ट किया। तो इनका अगर टेस्ट नेगेटिव आया तो इट मींस ये जो पूरी कलेक्शन है 8-10 लोगों की, दे आर ऑल नेगेटिव। और अगर ये जो कलेक्शन है ये पॉजिटिव आ जाता है, बाद में इन लोगों का इंडिविजुअली टेस्ट किया जाता है, जो उन लोगों में से जो पॉजिटिव होगा उसको उसका ट्रीटमेंट किया जाता है, बाकी जो नेगेटिव आते हैं उनको छोड़ दिया जाता है। इसको पूल टेस्टिंग कहा जाता है। ये पूल टेस्टिंग शुरू किया था सबसे पहले उत्तर प्रदेश ने। और एट प्रेजेंट सबसे ज़्यादा जो टेस्ट हैं कोरोना वायरस के वो स्टेट है उत्तर प्रदेश, उन्हें सबसे ज़्यादा अभी टेस्ट किए हैं, मोर देन 1 करोड़। और ये बात मैं कर रहा हूँ लेटेस्ट यानी अक्टूबर मंथ की। बट ओवरऑल जो ये हम पढ़ रहे हैं इस वक्त करंट अफेयर्स, दे आर फॉर द मंथ, मैंने आपको पीछे भी कहा था फरवरी मार्च एंड अप्रैल। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु विल होस्ट एशियन बॉक्सिंग चैम्पियनशिप इन दिसंबर 2020। सो एशियन बॉक्सिंग चैम्पियनशिप जो नवंबर दिसंबर में होने जा रहे हैं, तो इनको कौन होस्ट करेगा, इट विल होस्टेड बाय इंडिया। नेक्स्ट, हु बिकम द टॉप प्रोड्यूसर ऑफ हाइड्रोक्लोरोक्वीन प्रोड्यूसर। पीछे हमने ड्रग की बात की थी कि अमेरिका ने इंडिया से ये इस ड्रग की मांग की थी। सो इस वक्त जो टॉप प्रोड्यूसर है इस ड्रग का वो कौन है, तो ऑब्वियसली ये इंडिया ही है। 70% यहाँ इसका एनुअल शेयर है ओवरऑल एक्सपोर्टर में। नेक्स्ट, हु बिकेम द फर्स्ट स्टेट टू इंटीग्रेट एलोपैथी एंड आयुर्वेदा टू ट्रीट कोविड-19 पेशेंट्स। पहली स्टेट जिसने एलोपैथी और आयुर्वेदा को कंबाइन करके पेशेंट्स का ट्रीटमेंट शुरू किया है, तो वो बनी थी गोवा। नेक्स्ट, हु स्टार्टेड अ वेब पोर्टल युक्ति। युक्ति वेब पोर्टल किसने शुरू किया था, तो ये एक यूनिक पोर्टल था, डैशबोर्ड है, टू मॉनिटर रिकॉर्ड द एफर्ट्स एंड इनिशिएटिव्स ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। तो ये शुरू किया था MHRD, नहीं मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, जिसको अब एजुकेशन मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन भी अब कहा जा रहा है। अभी रिसेंटली इसका नाम चेंज हो गया MHRD का, मैंने पीछे भी आपको कहा था, अब इसका नाम रखा गया मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच बिकेम द इंडियाज फर्स्ट क्वारंटाइन सेंटर फॉर एनिमल्स। एनिमल्स के लिए एक क्वारंटाइन सेंटर शुरू किया गया था। सो फर्स्ट इंडिया का फर्स्ट क्वारंटाइन सेंटर फॉर एनिमल्स ये कौन बना था, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क ये ओल्डेस्ट नेशनल पार्क है इंडिया की। इट वॉज एस्टेब्लिश इन 1936 एज अ हेली नेशनल पार्क टू प्रोटेक्ट द एंडेंजर्ड बंगाल टाइगर। इसकी लोकेशन है नैनीताल पूरी गढ़वाल उत्तराखंड। सो उत्तराखंड में है ये जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, ये भी आपको याद रखना है। हु विंस एडिसन अवार्ड 2020 फॉर सोशल इनोवेशन। सोशल इनोवेशन के लिए एडिसन अवार्ड 2020 किसने जीता, ये जीता था टाटा पावर ने, जो एक इंडियन इलेक्ट्रिक यूटिलिटी कंपनी है दैट्स बेस्ड इन मुंबई महाराष्ट्र, और प्रवीर सिन्हा ये इसके करंट MD एंड CEO ऑफ टाटा पावर। नेक्स्ट, हु वाज रिसेंटली इंडक्टेड एज एक्सटर्नल एडवाइजर टू इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड। इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड के एक्सटर्नल एडवाइजर के रूप में किससे इंडक्ट किया गया था, तो ये थे रघुराम राजन। इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड ये एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, हेडक्वार्टर इसका Washington DC में। फॉर्मेशन हुई थी इसकी December 1945 में, एंड US मैनेजिंग डायरेक्टर हैं इसके क्रिस्टलिना जॉर्जिया, ये हैं इसके करंट मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड। वर्ल्ड हेरिटेज डे नॉन एज इंटरनेशनल डे फॉर मॉन्यूमेंट्स एंड साइट्स, ये हर साल कौन सी डेट को ऑब्जर्व किया जाता है, ऑन अप्रैल 18।
सो इस साल इंडिया के अंदर इस वक्त जो टोटल हेरिटेज साइट्स हैं 38 हेरिटेज साइट्स हैं इंडिया में लिस्टेड अंडर यूनेस्कोज वर्ल्ड हेरिटेज साइट लिस्ट। और इस साल इसका जो थीम था वर्ल्ड हेरिटेज डे का, तो वो था शेयर्ड कल्चर, शेयर्ड हेरिटेज एंड शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी। इट वॉज द थीम ऑफ वर्ल्ड हेरिटेज डे 2020। क्या था? शेयर्ड कल्चर, शेयर्ड हेरिटेज एंड शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी। नेक्स्ट, हु वॉज नेम्ड एज द न्यू एम्बेसडर ऑफ वर्ल्ड वाइड फंड इंडियाज एनवायरमेंट एजुकेशन प्रोग्राम। सो वर्ल्ड वाइड फंड इंडियाज एनवायरमेंटल एजुकेशन प्रोग्राम, इसके नए एम्बेसडर किसको बनाया गया? तो विश्वनाथ आनंद, ये चेस चैंपियन है विश्वनाथ आनंद, तो इन्हीं को बनाया गया है न्यू ब्रांड एम्बेसडर ऑफ वर्ल्ड वाइड फंड। वर्ल्ड वाइड फंड ये एक इंटरनेशनल नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है। इसकी फॉर्मेशन हुई थी 1961 में, हेडक्वार्टर इसका स्विट्जरलैंड एंड प्रेसिडेंट एंड सीईओ ये हैं इसके कार्टर रॉबर्ट्स। इस टाइप के क्वेश्चंस भी पूछते हैं, इसलिए मैं एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी आपको दे रहा हूँ। विच यूनियन मिनिस्टर लॉन्च्ड किसान रथ मोबाइल ऐप? किसान रथ मोबाइल ऐप ये किसने लॉन्च की थी? श्री नरेंद्र सिंह तोमर, जो यूनियन एग्रीकल्चर मिनिस्टर हैं, तो इन्होंने ही रिसेंटली लॉन्च की थी किसान रथ मोबाइल ऐप। ये एक ट्रांसपोर्ट एग्रीग्रेटर मोबाइल ऐप है, किसान रथ ऐप, और इसी को रिसेंटली लॉन्च किया गया बाय मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर श्री नरेंद्र सिंह तोमर। वर्ल्ड लीवर डे ये कब सेलिब्रेट किया जाता है? ऑन अप्रैल 19 अप्रैल को सेलिब्रेट किया जाता है वर्ल्ड लीवर डे। और ये किस लिए सेलिब्रेट किया जाता है? टू स्प्रेड अवेयरनेस अबाउट द लीवर रिलेटेड डिजीज। और लीवर का आपको पता होना चाहिए, लीवर इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट ऑर्गन इन द बॉडी आफ्टर स्किन। सो ये एक इंपॉर्टेंट फैक्टर रिलेटेड टू ह्यूमन बॉडी, ये आपको याद होना चाहिए। हु इज़ द न्यू CMD ऑफ MTNL? हाल ही में MTNL के नए CMD कौन बने हैं? सो MTNL महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड, ये है MTNL की फुल फॉर्म। तो इसके न्यू CMD बने हैं PK पुरवार। नेक्स्ट, विच बैंक रिसेंटली डिसकंटिन्यूड द सर्विस चार्जेस लिवाइड ऑन ATM ट्रांसैक्शंस? अब आप जब भी ATMs पर जाते थे उस वक्त आप वहाँ ट्रांसैक्शंस वगैरह करते थे तो वहाँ आपको कुछ चार्जेस लगते थे, बट रिसेंटली स्टेट बैंक ऑफ इंडिया डिसकंटिन्यूड दीज सर्विस चार्जेस लिवाइड ऑन ATM ट्रांसैक्शंस। नेक्स्ट, विच कंट्री अप्रूव्ड इंडिया टू गिव एंटी शिप मिसाइल टॉरपोड्स? किस देश को भारत ने एंटी शिप मिसाइल टॉरपोड्स देने की मंजूरी दी थी? तो ये दी थी अमेरिका ने। नेक्स्ट, हाउ मच कंपनसेशन पोस्टल एम्प्लॉयज विल गेट इन केस दे सकम टू COVID-19? अगर COVID-19 की वजह से किसी पोस्टल एम्प्लॉय की डेथ हो जाती है तो उसको कितनी कंपनसेशन दी जाएगी? तो ये दी जाएगी जी ₹10 लाख की। अब बात है पोस्टल इंडियन पोस्ट की, तो इट वाज फॉर्म्ड इन 1854 इंडियन पोस्ट की। हेडक्वार्टर इसका संसद मार्ग न्यू दिल्ली एंड मिनिस्टर रिस्पॉन्सिबल है रवि शंकर प्रसाद, कैबिनेट मिनिस्टर फॉर कम्युनिकेशंस। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट हु इज़ द मोस्ट डिजिटली स्किल्ड नेशन इन द वर्ल्ड? डिजिटली स्किल्ड नेशन वर्ल्ड के अंदर सबसे ज़्यादा कौन है? तो वो है जी इंडिया। इंडिया इज़ द मोस्ट डिजिटली स्किल्ड नेशन इन द वर्ल्ड। नेक्स्ट, इन्वेस्टेट अ न्यू स्पीशीज ऑफ ग्रीन पिट वाइपर। यह है ग्रीन पिट वाइपर, इसकी एक न्यू स्पीशीज हाल ही में खोजी गई थी। तो ये कहाँ डिस्कवर की गई थी? इन अरुणाचल प्रदेश, और इसका नाम रखा गया है ट्रीमेरसरस सालाजार। ये आपको नाम याद रखना होगा, ट्रीमेरसरस सालाजार। ये स्टॉट डिस्कवर्ड इन द थिक एवरग्रीन फॉरेस्ट ऑफ पक्के टाइगर रिजर्व इन अरुणाचल प्रदेश। रिसेंटली नॉर्मन हंटर पास्ड अवे, हुआ जी, तो नॉर्मन हंटर की डेथ हो गई थी। तो वो कौन थे? तो वो थे जी एक फुटबॉलर, ये इंग्लैंड के थे। ही वॉज अ पार्ट ऑफ 1966 FIFA वर्ल्ड कप विनिंग स्क्वाड और रिसीव्ड अ विनर मेडल इन 2007। नेक्स्ट, रिसेंटली मून जो इन बिकेम द प्रेजिडेंट ऑफ विच कंट्री? सो मून जो इन ये कहाँ के प्रेजिडेंट बने थे? तो ये बने थे साउथ कोरिया के नए प्रेजिडेंट मून जो इन। कैपिटल है साउथ कोरिया की सियोल, प्रेसिडेंट मून जो इन, और प्राइम मिनिस्टर यहाँ के चुंग सियो क्यून, और करेंसी है जी यहाँ की कोरियन रिपब्लिक वन। नेक्स्ट, हु हैज़ बिकम द फर्स्ट इन द कंट्री टू एक्सटेंड फाइनेंशियल रिलीफ टू फाइनेंशियली डिस्ट्रेस्ड यंग एडवोकेट्स? कौन आर्थिक रूप से परेशान युवा अधिव्यक्तियों को वित्तीय राहत देने वाला
देश का पहला राज्य बना, तो ये बना था जी जम्मू एंड कश्मीर गवर्नमेंट। तो इन्होंने एक्सटेंड की थी फाइनेंशियल हेल्प किस उन यंग एडवोकेट्स को जो फाइनेंशियली डिस्ट्रेस्ड थे इन कोविड 19 पेंडेमिक। नेक्स्ट, रिसेंटली विच बिकेम द फर्स्ट अरब कंट्री टू लीगलाइज मरिजुआना कल्टीवेशन। हाल ही में जो मरिजुआना की खेती के वैध बनाने वाला पहला अरब देश बना, तो वो कौन बना था? वो बना था लेबनान। तो मरिजुआना कल्टीवेशन मीन्स भांग, भांग आपको पता है ये अरब में लीगलाइज नहीं थी, इलीगल थी इसका यूज़, बट रिसेंटली लेबनान इट बिकेम द फर्स्ट अरब कंट्री टू लीगलाइज मरिजुआना कल्टीवेशन यानी भांग कल्टीवेशन। अकॉर्डिंग टू यूनाइटेड नेशन लेबनान इज द थर्ड लार्जेस्ट सप्लायर ऑफ कैनिबस रेसिन इन द वर्ल्ड आफ्टर मोराको एंड अफगानिस्तान। नंबर वन पे मोराको, नंबर टू पे अफगानिस्तान, एंड थर्ड सप्लायर है इसका, थर्ड सप्लायर है लेबनान। नेक्स्ट, अर्थ डे सेलिब्रेट कब किया जाता है? पृथ्वी दिवस, तो ये सेलिब्रेट किया जाता है हर साल 20 अप्रैल को। सो मॉडर्न एनवायरमेंटल मूवमेंट 1970 में जो हुई थी, तो उसी की बर्थ एनिवर्सरी ऑफ बर्थ ऑफ दिस मॉडर्न एनवायरमेंट मूवमेंट इन 1970, तो उसी की याद में टू मार्क द डे ऑफ एनिवर्सरी 22 अप्रैल इसको बनाया जाता है एज ए अर्थ डे। तो इस साल इसकी 50th एनिवर्सरी थी, एंड दे द डे रिमाइंड्स ऑल टू टेक केयर ऑफ प्लैनेट अर्थ। और इस साल इसका जो थीम था वो था क्लाइमेट एक्शन। विच कंट्री रैंक्ड फर्स्ट इन ग्लोबल प्रेस फ्रीडम इंडेक्स? ग्लोबल प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में कौन सी कंट्री टॉप पे रही? तो ये रही जी नॉर्वे। तो नॉर्वे इसमें फर्स्ट रैंक पे रही लगातार 4th साल। और ये जो ग्लोबल प्रेस फ्रीडम इंडेक्स है ये कंपाइल की जाती है बाई पेरिस बेस्ड रिपोर्टर सेंस फ्रंटियर्स। ये भी कभी कभी पूछा जाता है कि इसको कौन कंपाइल करता है, कौन रिलीज़ करता है। तो ये एक पेरिस बेस्ड रिपोर्टर सेंस फ्रंटियर्स है RSF, इसी को रिलीज़ करती है ग्लोबल प्रेस फ्रीडम। तो इसमें नंबर वन पे रहा नॉर्वे और इंडिया का इसमें रैंक रहा 142nd। तो इसको रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स भी कहा जाता है। नेक्स्ट, रिसेंटली फेसबुक साइंड एन एग्रीमेंट विद विच इंडियन कंपनी टू क्रिएट सुपर ऐप। फेसबुक ने हाल ही में किस इंडियन कंपनी के साथ एग्रीमेंट किया टू क्रिएट अ सुपर ऐप? तो ये किया था रिलायंस के साथ। तो रिलायंस ये इट वॉज फाउंडेड इन May 1973। फाउंडर इसके धीरू भाई अंबानी, हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र में, और मुकेश अंबानी इसके करंट चेयरमैन एंड MD। अब फेसबुक की बात है तो ये लार्जेस्ट सोशल मीडिया नेटवर्क है। इट वॉज फाउंडेड इन 2004 और इसके जो हेड है वह है मार्क जुकरबर्ग। ये आपको याद रखना है मार्क जुकरबर्ग, ये हैं इसके हेड ऑफ फेसबुक। हु रिसेंटली लॉन्च्ड वॉइस बैंकिंग सर्विस फॉर इट्स कस्टमर्स। वॉइस बैंकिंग सर्विस अपने कस्टमर्स के लिए किसने लॉन्च की थी? तो ये लॉन्च की थी ICICI बैंक ने। तो ICICI बैंक इसकी फॉर्मेशन हुई थी 1994 में। इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में और गिरीश चंद्र चतुर्वेदी ये इसके करंट चेयरमैन एंड संदीप बख्शी एंड इसके MD एंड CEO। वन वाज नेशनल पंचायत डे ऑब्जर्व? तो ये ऑब्जर्व किया गया था ऑन 24th अप्रैल। हु रिसेंटली स्टार्टेड हैश माई बुक माई फ्रेंड कंपेन? तो ये शुरू की थी कंपेन MHRD ने, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, और रमेश पोखरियाल इसके कैबिनेट मिनिस्टर जो इस वक्त करंट मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन है, तो इसका नाम बदल दिया गया है, मैंने आपको अभी पीछे भी कहा था। नेक्स्ट, रिसेंटली हु लॉन्च्ड सर्व द सीनियर इनिशिएटिव्स हेल्पलाइन? तो सर्व द सीनियर इनिशिएटिव, तो ये इनिशिएटिव किसने लॉन्च किया था? तो ये लॉन्च किया था जम्मू एंड कश्मीर ने, सर्व द सीनियर्स इनिशिएटिव। नेक्स्ट, द प्राइम मिनिस्टर लॉन्च्ड विच अमंग द फॉलोइंग स्कीम्स ऑन April 24, 2020? सो 24 अप्रैल 2020 को प्राइम मिनिस्टर ने कौन सी स्कीम लॉन्च की थी? तो ये की थी स्वामित्व स्कीम। स्वामित्व स्कीम ये क्या है? बहुत सारे लोगों के बीच लैंड डिस्प्यूट्स हैं, उन लैंड डिस्प्यूट्स को ख़त्म करने के लिए एक मैप लॉन्च किया गया बाय यूजिंग ड्रोन्स एंड लेटेस्ट सर्वे मेथड्स टू प्रोवाइड क्लैरिटी ओवर द प्रॉपर्टी राइट्स इन रूरल एरियाज। इस स्कीम का नाम आपको याद रखता है स्वामित्व स्कीम। नेक्स्ट, विच स्टेट गवर्नमेंट रिसेंटली लॉन्च्ड संपर्क दीदी ऐप? तो ये लॉन्च की थी जी उत्तराखंड ने, संपर्क दीदी ऐप लॉन्च की थी। और इसका क्या है एम क्या है संपर्क दीदी? स्टूडेंट्स कैन एसेस एनिमेटेड लेक्चर्स वाइल दे आर कन्फाइंड टू देयर होम्स ड्यूरिंग कोविड 19 पेंडेमिक।
तो यहाँ ये एनिमेटेड लेक्चर्स को देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। उत्तराखंड में है किया गया था लॉन्च, तो ये है मैप में उत्तराखंड। फॉर्मेशन हुई थी इसकी नवंबर 2000 में और इसको यूपी से अलहदा किया गया था 2000 में। उस वक्त इसका नाम था उत्तरांचल और 2007 में इसका नाम बदल कर रखा गया उत्तराखंड। कैपिटल देहरादून, यहाँ की विंटर कैपिटल। गैरिसन है यहाँ की समर कैपिटल। गवर्नर यहाँ के बेबी रानी मौर्य और चिम्स यहाँ के त्रिवेंद्र सिंह रावत। नेक्स्ट, रिसेंटली हु स्टार्टेड मिशन अन्ना सेवा। मिशन अन्ना सेवा ये किसने शुरू किया था, तो ये शुरू किया था रिलायंस फाउंडेशन ने और इसमें इन्हें फ्री फूड डिस्ट्रीब्यूट की थी मोर देन 3 करोड़ पीपल्स और ये एक लार्जेस्ट मिशन था इन द वर्ल्ड स्टार्टेड बाय एनी प्राइवेट कंपनी। नेक्स्ट, जे एंड के पीएचई एंड आई एंड एफ सी डिपार्टमेंट्स, इनको रीनेम किया गया। तो पहले आपको फुल फॉर्म पता होनी चाहिए जे एंड के पीएचई एंड आईएफसी, ये क्या होता है। पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग, ये हो गया पीएचई, एंड इरीगेशन एंड फ्लड कंट्रोल, तो ये हो गया आईएफसी। तो इस डिपार्टमेंट का नाम बदल दिया गया था जम्मू एंड कश्मीर, अब इसको बताया जाता है जल शक्ति डिपार्टमेंट, तो ये इसको रीनेम किया गया है एज जल शक्ति डिपार्टमेंट। नेक्स्ट, हु बॉट 9.9% स्टॉक इन रिलायंस जियो फॉर ₹43,574 करोड़। सो ये बात किए थे जी फेसबुक ने रिलायंस जियो के 9.9% स्टॉक्स बाई किए थे। तो फेसबुक, मैंने पहले भी आपको, इट वॉज फाउंडेड इन 2004 एंड इसके फाउंडर हैं मार्क जुकरबर्ग। और मैसेंजर, व्हाट्सएप एंड इंस्टाग्राम, ये फेसबुक के ही एप्लीकेशन हैं। नेक्स्ट, विच पंचायत ऑफ जे एंड के गॉट प्रेस्टिजियस नेशनल अवार्ड ऑन 24 अप्रैल पंचायत राज डे। सो पंचायत राज डे 24 अप्रैल को था, पीछे हमने पढ़ा, इसमें जम्मू एंड कश्मीर की 3 पंचायत को नेशनल अवार्ड दिया गया था। तो वो कौन सी थी, पंचायत जमोलो जमोला, पंचायत ढांगरी एंड पंचायत जलोरा बी। तो पंचायत जमोला ये है राजौरी डिस्ट्रिक्ट में और इसको जो अवार्ड दिया गया था वो दिया गया था चाइल्ड फ्रेंडली ग्राम पंचायत अवार्ड, ये आपको याद रखना है, नोट कर लें, स्क्रीनशॉट ले लें। देन पंचायत डांगरी, ये दिया था राजौरी डिस्ट्रिक्ट की है ये एक पंचायत और इनको दिया गया था नानाजी देशमुख राष्ट्रीय गौरव सभा पुरस्कार। एंड पंचायत जलोरा, ये बारामूला डिस्ट्रिक्ट की है और इनको दिया गया था ग्राम पंचायत डेवलपमेंट प्लान GPDP 2020। ये अवार्ड्स के नाम है और ये हैं पंचायत के नाम। नेक्स्ट, हाउ मच डिड आसाम स्टेट गवर्नमेंट अनाउंसड इंश्योरेंस कवर फॉर फ्रंटलाइन जर्नलिस्ट हु आर कवरिंग COVID-19। सो फ्रंटलाइन जर्नलिस्ट के लिए आसाम स्टेट गवर्नमेंट ने कितने इंश्योरेंस कवर की अनाउंसमेंट की थी जो कवर कर रहे हैं COVID-19 पेंडेमिक से रिलेटेड न्यूज़, तो इनको दिया जाएगा ₹50 लाख इंश्योरेंस कवर। तो रिसेंटली मैसेंजर रूम फीचर फॉर वीडियो ग्रुप, तो ये किसने लॉन्च किया था, मैसेंजर रूम फीचर फॉर वीडियो ग्रुप, तो ये लॉन्च किया गया था फेसबुक ने। फेसबुक लॉन्च दिस मैसेंजर रूम फीचर फॉर वीडियो ग्रुप चैट। नेक्स्ट, विच कंट्री सक्सेसफुली लॉन्च अ मिलिट्री सैटेलाइट इनटू ऑर्बिट, कौन से देश ने सफलतापूर्वक एक सैन्य उपग्रह लॉन्च किया था, तो ये किया था ईरान ने सक्सेसफुली लॉन्च किया था मिलिट्री सैटेलाइट एंड फर्स्ट सैटेलाइट ऑफ इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान, तो ये इनका फर्स्ट सैटेलाइट था इसलिए ये काफ़ी न्यूज़ में रहा, तो ईरान का, और इसका नाम था नूर, तो ये भी आपको याद रखना है। लॉन्च इनटू ऑर्बिट बाय द इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गॉड क्रॉप्स, और इसको लॉन्च किया था इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गॉड क्रॉप्स ने। तो ईरान, ये है इंडिया और ये है मैप में ईरान, इसको पर्शिया भी कहा जाता है। कैपिटल यहाँ की तेहरान, सुप्रीम लीडर अली खामनई, प्रेसिडेंट यहाँ के हसन रूहानी और करेंसी यहाँ की रियाल। नेक्स्ट, विच स्टेट गवर्नमेंट रिसेंटली लॉन्च्ड अ कोरोना वायरस पोर्टल दृष्टि, दृष्टि एक कोरोना वायरस पोर्टल है, इसको किसने लॉन्च किया, तो ये लॉन्च किया था उत्तराखंड ने। तो इस पोर्टल पर जो भी इस पे डाटा अपलोड किया जाएगा पर्टर्निंग टू पेशेंट्स एंड सस्पेक्टेड केसेस, तो ये तमाम डाटा इस पे शो किया जाएगा पेशेंट्स का और जो भी सस्पेक्टेड केसेज हैं उनसे रिलेटेड डाटा इस कोरोना वायरस पोर्टल दृष्टि पे अपलोड किया जाएगा। नेक्स्ट, विच कंट्री रिसेंटली अनाउंस्ड नॉट टू पनिश माइनर चिल्ड्रंस फॉर डेथ, सो माइनर चिल्ड्रंस को अब डेथ पेनल्टी नहीं दी जाएगी। सो इससे पहले डेथ पेनल्टी दी जाती थी फॉर वेरियस इलीगल एक्टिविटीज़, तो अब सऊदी अरेबिया ने ये डिसाइड किया है कि दे विल नॉट नाउ पनिश
माइनर चिल्ड्रन फॉर डेथ, तो ये डिसीजन लिया है सऊदी अरेबिया ने। तो सऊदी अरेबिया, ये है इंडिया और ये है मैप में सऊदी अरेबिया। कैपिटल रियाद, किंग सलमान है यहाँ के, क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान, करंसी यहाँ की सऊदी रियाल। नेक्स्ट, विच स्टेट गवर्नमेंट है रिसेंटली लॉन्च जीवन शक्ति योजना फॉर वुमेन, वुमेन के लिए एक स्कीम लॉन्च की गई जीवन शक्ति योजना, तो ये लॉन्च की थी मध्य प्रदेश ने। तो इसमें जो भी वुमेन है उन्हें घर बैठे बैठे मास्क बनाने हैं और उसको 11 पर मास्क आगे वो गवर्नमेंट को सेल करेंगे, तो इससे वुमेन को घर बैठे बैठे एक एम्प्लॉयमेंट मिल जाएगी। तो इसलिए ये स्कीम लॉन्च की थी मध्य प्रदेश ने। आपने स्कीम का नाम याद रखना है, जीवन शक्ति योजना। विच स्टेट गवर्नमेंट लॉन्च मोबाइल ऐप नेम्ड कोविड फर्मा, कोविड फर्मा नाम की मोबाइल ऐप, ये किसने लॉन्च की थी? तो ये लॉन्च की थी आंध्र प्रदेश ने। किस लिए? टू कीप ट्रैक ऑफ पीपल परचेजिंग मेडिसिन ओवर द काउंटर फ्रॉम मेडिकल स्टोर्स फॉर कफ कोल्ड एंड फीवर, कोल्ड कफ एंड फीवर के लिए जो भी लोग मेडिसिन परचेज करेंगे फ्राम एनी मेडिकल शॉप, तो उनको ट्रैक करने के लिए ये लॉन्च की गई थी मोबाइल ऐप कोविड फर्मा, और ये लॉन्च की थी आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट, रिसेंटली अ फेमस बॉलीवुड स्टार डाइड, हुआ जी। सो हाल ही में फेमस बॉलीवुड एक्टर उनकी डेथ हो गई, वो कौन थे? इरफान अली खान, ये भी थे, एंड ऋषि कपूर, तो ये दोनों, इन दोनों की डेथ हुई। तो ये हैं ऋषि कपूर और ये हैं इरफान अली खान, इन दोनों की डेथ हुई थी अभी 2-3 महीने पहले, इनके नाम आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट, रिसेंटली द नेम ऑफ सिटी चौक जम्मू हैज़ बीन चेंज्ड, तो इसका नया नाम क्या है सिटी चौक जम्मू का? तो ये है भारत माता चौक। नेक्स्ट, हु हैज़ रिसेंटली डेवलप्ड अ डैशबोर्ड प्रकृति टू प्रिडिक्ट कोविड-19 स्प्रेड, कोविड-19 स्प्रेड से रिलेटेड आगे प्रिडिक्शन करना कि आगे स्टेट्स में आगे कितने केसेस बढ़ सकते हैं, डिस्ट्रिक्ट्स में कितने केसेस हैं आज और आगे कुछ टाइम के बाद वहाँ कितने केसेस हो सकते हैं, इन तमाम चीज़ों को प्रिडिक्ट करने के लिए एक डैशबोर्ड लॉन्च किया था प्राकृति, और इसकी फुल फॉर्म है प्रिडिक्शन असेसमेंट ऑफ कोरोना इन्फेक्शन एंड ट्रांसमिशन इन इंडिया। तो इसको डेवलप किया है IIT दिल्ली ने, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी दिल्ली, इनने ये वेब बेस्ड मोबाइल फ्रेंडली डैशबोर्ड डेवलप किया। नेक्स्ट, हु हैज़ रिसेंटली स्टार्टेड ई संजीवनी OPD, हाल ही में ई संजीवनी OPD, ये किसने लॉन्च किया था? तो ये किया था जी हिमाचल प्रदेश ने। ए फ्री लाइन मेडिकल कंसल्टेशन एंड जनरल हेल्थ एडवाइस विल बी प्रोवाइडेड टू द पीपल एट देयर रेजिस्टेंस, घर बैठे बैठे फ़ोन के जरिए उनको तमाम मेडिकल कंसल्टेशन और जनरल हेल्थ एडवाइस दी जाएगी इस प्रोग्राम के थ्रू। इसका नाम था ई संजीवनी और ये स्टार्ट किया गया था इन हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट, हु हैज रिसेंटली लॉन्च्ड जीवन अमृत योजना स्कीम, तो जीवन अमृत योजना स्कीम ये किसने लॉन्च की थी? तो ये की थी मध्य प्रदेश ने, और ये क्या है? ये एन आयुर्वेदिक प्रोडक्ट त्रिकुट चूर्ण है, ये जीवन अमृत योजना। सो इसमें एक त्रिकुट चूर्ण है, इट विल बी प्रोवाइडेड टू द पीपल विद द एम टू बूस्ट देयर इम्यून सिस्टम। सो उनको एक त्रिकुट चूर्ण दिया जाएगा लोगों को उनका इम्यून सिस्टम बूस्ट करने के लिए टू फाइट अगेंस्ट कोविड-19। सो इसलिए ये जीवन अमृत योजना स्कीम लॉन्च की गई थी इन मध्य प्रदेश। नेक्स्ट, रिसेंटली फार्मर गवर्नर ऑफ विच स्टेट देवानंद कंवर पास्ड अवे, तो देवानंद कंवर जो फार्मर गवर्नर थे तो ये इनकी डेथ हो गई, तो ये कहाँ के गवर्नर थे? तो ये थे बिहार के। इट्स एंड ऑफ दिस वीडियो, आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, लाइक ज़रूर करें, और अगर आपको हमारा काम पसंद है तो इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें। नए व्यूअर्स से रिक्वेस्ट है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बहुत जल्दी हम इसका पार्ट सेकंड भी लेके आएंगे विद इन 2-3 डेज। ओके, थैंक्स एंड बेस्ट ऑफ लक, एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल।